किसी भी फंक्शन को इवन कहा जाएगा अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने में कोई चेंज ना हो, यानी सपोज फंक्शन आपका एफ एक्स है, फंक्शन में आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखो, अगर कोई चेंज ना हो, वही का वही फंक्शन रह जाए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इवन है। यानी फंक्शन अगर एक्स पे डिफाइंड है तो माइनस एक्स पे भी डिफाइंड होना चाहिए, यानी एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों डिफाइंड होना चाहिए और दोनों सेम होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इवन है। तो लिख लो, अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी एन इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, और ये ट्रू होना चाहिए सारे एक्स के लिए, यानी हम डोमेन में से कोई भी एक्स चूज कर लें तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स सेम रहना चाहिए। या इसी को हम दूसरे तरीके से कहेंगे तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंस जीरो हो जाना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। तो अगर आपको चेक करना हो किसी भी फंक्शन को कि यह फंक्शन इवन है या नहीं, से फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स, आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, यानी फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल रह जाता हो, रिप्लेसमेंट से कोई चेंज ना होता हो, तो फंक्शन इवन है। समटाइम्स इतना डायरेक्टली पता नहीं लगता कि एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स सेम है, तो अगर डायरेक्टली पता नहीं लग रहा तो दोनों का डिफरेंस लेकर देख लो, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का अगर डिफरेंस जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन इवन है। बड़ा क्लियर है कि अगर कोई फंक्शन इवन है तो वो अगर एक्स पे डिफाइंड है तो माइनस एक्स पे भी डिफाइंड होना चाहिए, मतलब अगर टू पे डिफाइंड है तो माइनस टू पे भी डिफाइंड होना चाहिए और वाइस वर्सा, माइनस टू पे डिफाइंड है तो टू पे भी डिफाइंड होना चाहिए, यानी अगर माइनस थ्री डोमेन में है तो थ्री भी डोमेन में होना चाहिए, माइनस फोर डोमेन में है तो फोर भी डोमेन में होना चाहिए, यानी फंक्शन ओरिजिन के दोनों तरफ डिफाइंड होगा कि अगर किसी पॉइंट फाइव पे डिफाइंड है तो माइनस फाइव पे भी डिफाइंड है, थ्री पे डिफाइंड है तो माइनस थ्री पे भी डिफाइंड है, और दोनों पॉइंट पे वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो वैल्यू अल्फा पे होनी चाहिए वही वैल्यू माइनस अल्फा पे होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखें इवन फंक्शंस के, जैसे हमने लिखा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो ऑब्वियसली इवन फंक्शन है, अगर आप इसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखोगे कोई चेंज होना नहीं है, क्योंकि माइनस एक्स का भी स्क्वायर जो बनेगा वो एक्स स्क्वायर ही बनेगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन। इनफैक्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का कोई भी इवन पावर ले लो, एक्स रेस टू टू एन, ये इवन फंक्शन है, एन यहां पे एनी इंटीजर, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू फोर, एक्स रेस टू सिक्स, एक्स रेस टू एट, या नेगेटिव पावर भी एक्स रेस टू माइनस टू, एक्स रेस टू माइनस फोर, एक्स रेस टू माइनस सिक्स, ये सारे इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर आप इनमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखोगे कोई चेंज होगा नहीं, वैसे भी इनकी जो वैल्यू वन पे आनी है वही माइनस वन पे आनी है, जो टू पे आनी है वही माइनस टू पे आनी है, जो थ्री पे होगा वही माइनस थ्री पे होगा। नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैं इवन फंक्शंस के एग्जांपल दे रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये इवन फंक्शन है क्योंकि मॉड में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कोई चेंज होता नहीं है, जो मॉड वन होगा वही मॉड ऑफ माइनस वन होगा, मॉड लगाने से क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ लिखते हैं, तो मॉड वन मॉड ऑफ माइनस वन दोनों वन बनेगा, मॉड टू मॉड ऑफ माइनस टू दोनों वन दोनों टू बनेंगे। इनफैक्ट इस पे कोई पावर भी डालू एनी पावर एन तो भी ये इवन फंक्शन है, एन यहां पे एनी पावर है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स
या सीक्स, दोनों इवन फंक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स ही रहती है, सीकेंट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू सीकेंट एक्स ही रहती है। कॉस और सीकेंट पे एंगल का साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा दोनों सेम होते हैं, सीकेंट का भी वही होगा, सीकेंट थीटा और सीकेंट माइनस थीटा सेम होते हैं। एफएक्स इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट फंक्शन के, एफएक्स इज इक्वल टू के का मतलब एनी कांस्टेंट, एफएक्स इज इक्वल टू 1, एफएक्स इज इक्वल टू 2, एफएक्स इज इक्वल टू 3, अगर कोई कांस्टेंट है एक्स के टर्म में नहीं है तो भी ये इवन फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन ऑलवेज कांस्टेंट है, तो हम एक्स की जगह पे कुछ भी रखेंगे वैल्यू के ही बना रहेगा, तो अगर हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख देंगे तो भी वैल्यू के होगा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स सेम रहेगा। तो एक्स का कोई भी इवन पावर इवन फंक्शन है, मॉडुलस इवन फंक्शन है, मॉडुलस का कोई भी इवन पावर इवन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोसाइन एंड सीकेंट इवन फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन इवन फंक्शन है, अगर एक्स की जगह पे एफ एक्स इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट है, के की जगह पे 1, 2, 3 कुछ भी है, ये इवन फंक्शन। नेक्स्ट ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन में आपने कहा कि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स सेम होता है, अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें फंक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो वैल्यू फंक्शन की एक्स पे है वही वैल्यू होनी चाहिए माइनस एक्स पे, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स सेम होने चाहिए। ऑड फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स होगा, यानी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस बाहर निकल के आ जाना चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव ऑफ एफ एक्स हो जाना चाहिए। तो लिख लो, ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी एन ऑड फंक्शन, इज सेट टू बी एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज नेगेटिव ऑफ एफ एक्स For all x belonging to domain, f of minus x is negative of f x for all x belonging to domain. या इसको हम ये कह सकते हैं कि f of x और f of minus x का सम जीरो होना चाहिए for all x belonging to domain. एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम जीरो हो जाना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। तो अगर आपको चेक करना हो कि कोई फंक्शन ऑड है या नहीं है, तो अगेन आप फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख के देखिए, एफ एक्स है आप निकालो एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव ऑफ एफ एक्स बन जाता हो, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल नहीं होता, माइनस एफ एक्स के इक्वल होता तो हम कहेंगे फंक्शन ऑड है, लेकिन समटाइम्स इतना इजी नहीं होता देखना, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स का डिफरेंस जीरो हो जाए तो फंक्शन इवन है, और एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स का सम जीरो हो जाए तो फंक्शन ऑड है, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो डिफरेंस जीरो हो रहा ना ही सम जीरो हो रहा, तो फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, यानी फंक्शन यहाँ पे नाइदर वाला ऑप्शन भी है, जैसे ऑन टू इन टू में नाइदर का कोई ऑप्शन नहीं था, ऑन टू है या इन टू है, वन वन मेनी वन में नाइदर का कोई ऑप्शन नहीं है, वन वन है या मेनी वन, यहाँ पे नाइदर का भी ऑप्शन है, फंक्शन या तो ऑड होगा या इवन होगा, या तीसरी पॉसिबिलिटी भी है कि नाइदर ऑड नॉर इवन है। अब देखें ऑड फंक्शन के एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स का कोई भी ऑड पावर लोगे ये ऑड फंक्शन है। एक्चुअली ऑड फंक्शन में सीधी सी बात ये है कि जो वैल्यू
अल्फा पे आएगी उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी माइनस अल्फा पे। जैसे अगर मान लो अल्फा पे वैल्यू 2 बन रहा है तो माइनस अल्फा पे माइनस 2 बनना चाहिए। जैसे एक्स क्यूब है तो अगर इसकी 2 पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो 8 आएगा, माइनस 2 पे फाइंड करेंगे तो माइनस 8 आएगा, 3 पे फाइंड करेंगे 27 आएगा, माइनस 3 पे फाइंड करेंगे माइनस 10। या सीधा हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो क्या होगा, सर साइन चेंज हो जाएगा। अगर एक्स के जगह पे माइनस एक्स लिखें तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ये एक्स क्यूब है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर एक्स क्यूब है या एक्स का कोई भी ऑड पावर है, यहाँ पे एनी इंटीजर है, तो ये ऑड फंक्शन है। एक्स के सारे इवन पावर इवन फंक्शन है, एक्स के सारे ऑड पावर ऑड फंक्शन है। इसके अलावा अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बात करोगे तो कॉस और सीकेंट इवन है, बाकी के चार ऑड फंक्शन है। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर निकल जाता है। टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, और कोसेकेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। तो ये जो बाकी के चार हैं वो ऑड फंक्शन है। कौन कौन से, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स एंड कोसेकेंट एक्स, ये चारों ऑड फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी, अभी आपने इनवर्स पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, बाहर हो जाता है। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेकंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कोसेकंड इनवर्स, सिर्फ ये तीन। जो बाकी के तीन हैं वो नाइदर इवन नॉर ऑड है, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बनता है, ना तो कॉस इनवर्स एक्स बनता है ना ही नेगेटिव बनता है, तो वो नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तीन ऑड है और तीन नाइदर इवन नॉर ऑड है। तीन ऑड कौन कौन से हैं, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स, ये तीन ऑड फंक्शन। और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये तो मैंने कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स लिखे हैं। आपको याद नहीं रखना, सिंपली चेक कर लेना कि फंक्शन इवन है या ऑड है। कैसे चेक करेंगे हम, तो अगर मुझे फंक्शन एफ एक्स गिवन है और मुझे चेक करने के लिए कहा गया कि इवन है या ऑड है, तो मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर सिंप्लीफाई करके वही रह जाता हो, एफ एक्स रह जाता हो, तो फंक्शन इवन है। नेगेटिव ऑफ एफ एक्स रह जाता हो तो फंक्शन ऑड है। कई बार इतना ऑब्वियस नहीं होता है तो हम ऐड करके देख लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स ऐड करके अगर जीरो बनता है तो ऑड है, इस सबट्रैक्ट करके अगर जीरो बनता है तो इवन है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी जीरो नहीं बन रहा, ना तो सम ना ही डिफरेंस, तो फिर हम कहेंगे फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है। नेक्स्ट लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। Properties of even and odd functions. शायद नहीं है, मुझे लगता दिखा तो नहीं मुझे कहीं पे, एनसीईआरटी बुक में है, ट्वेल्थ की बुक में नहीं है। Properties of even and odd functions. पहली प्रॉपर्टी, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इवन एंड ऑड के लिए जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, वो ये कि इवन एंड ऑड फंक्शन, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ओरिजिन के दोनों तरफ डिफाइंड होते हैं, यानी अगर किसी पॉइंट अल्फा पे डिफाइंड है तो माइनस अल्फा पे भी डिफाइंड होना चाहिए कंपलसरी। यानी अगर फंक्शन सिर्फ एक ही साइड पे डिफाइंड है ओरिजिन के, तो स्ट्रेट अवे कहिए कि नाइदर इवन नॉर ऑड है। यानी इवन या ऑड फंक्शंस का जो डोमेन होगा वो हमेशा ओरिजिन के बहुत सिमेट्रिक होगा, कि ओरिजिन के राइट साइड पे अगर किसी पॉइंट पे डिफाइंड है तो उस पॉइंट के नेगेटिव पे भी डिफाइंड होना चाहिए, या अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे किसी पॉइंट पे डिफाइंड है तो उस पॉइंट के पॉजिटिव पे भी डिफाइंड होना चाहिए। यानी अगर फंक्शन माइनस वन पे डिफाइंड है तो वन पे भी डिफाइंड होना चाहिए, थ्री पे डिफाइंड है तो माइनस थ्री पे भी डिफाइंड होना चाहिए। यानी अगर डोमेन में वन है तो माइनस वन भी होना चाहिए, डोमेन में माइनस थ्री है तो थ्री भी होना चाहिए। अगर डोमेन में इनमें से सिर्फ एक पॉइंट है तो आप स्ट्रेट अवे कहिए नाइदर इवन नॉर ऑड। जैसे फंक्शन की वैल्यू वन पे मिल रही है बट माइनस वन पे नहीं मिल रही है, माइनस वन पे डिफाइंड नहीं है, फंक्शन की वैल्यू माइनस थ्री पे मिल रही है बट थ्री पे नहीं मिल रही है, तो आप स्ट्रेट अवे कहिए कि नाइदर इवन नॉर ऑड है। लिख लीजिए
द डोमेन ऑफ इवन और ऑड फंक्शंस, द डोमेन ऑफ इवन और ऑड फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, लिख लो। दिस मीन्स इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू अल्फा, इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू अल्फा, देन इट मस्ट बी डिफाइंड एट x इज इक्वल टू माइनस अल्फा, देन इट मस्ट बी डिफाइंड एट x इज इक्वल टू माइनस अल्फा और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। अगर अल्फा पे डिफाइंड है तो माइनस अल्फा पे भी डिफाइंड होना चाहिए, यानी अल्फा पे अगर फंक्शन की वैल्यू है तो माइनस अल्फा पे भी होना चाहिए, ये वाइस वर्सा, यानी अगर माइनस अल्फा पे है तो अल्फा पे भी होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इनमें से एक पॉइंट पे वैल्यू मिल रही है दूसरे पे नहीं मिल रही है। यानी अगर मान लो टू डोमेन में नहीं है तो फिर माइनस टू भी डोमेन में नहीं होना चाहिए, अगर टू पे वैल्यू नहीं मिल रही है तो माइनस टू पे भी नहीं मिलनी चाहिए, थ्री पे नहीं मिल रही है वैल्यू तो माइनस थ्री पे भी नहीं मिलनी चाहिए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, कई बार ऐसा होगा कि फंक्शन आपको देखने में ऑड और या इवन लग रहा होगा, आप डोमेन पे ध्यान नहीं दे रहे होगे कि इसमें डोमेन ओरिजिन के बाद सिमेट्रिक नहीं है, यानी फंक्शन की किसी एक साइड पे डिफाइंड है दूसरे साइड पे डिफाइंड नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा कि फंक्शन हमारा सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन, या कांस्टेंट फंक्शन दे देता हूं, से मैंने लिख दिया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कहोगे कि ये जो फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, इसके इक्वल है वन के इक्वल है। लेकिन अभी मैंने कहा था कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया, वैल्यू एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, इस फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज वन बनी रहेगी, हम एक्स को कुछ भी रखें तो कॉन्स्टेंट है, आप कह दोगे ये इवन है, बट दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि एक्चुअली जो आपका फंक्शन है वो वन पे डिफाइंड नहीं है, वन के अलावा सारे पॉइंट पे जो वैल्यू बनेगा वो वन बनेगा, तो फंक्शन वन पे डिफाइंड नहीं है बट माइनस वन पे डिफाइंड है, तो इस फंक्शन की वैल्यू वन पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है बट माइनस वन पे एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि नाइदर इवन नॉर ऑड है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखिए, अगर कोई ऑड फंक्शन है और जीरो पे अगर डिफाइंड है, यानी जीरो पे अगर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो जीरो पे हमेशा उसकी वैल्यू जीरो ही होगी, यानी ऑड फंक्शन की वैल्यू जीरो पे ऑलवेज जीरो होती है। यानी अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो एफ जीरो हम स्ट्रेट अवे जीरो लिखेंगे अगर एफ जीरो एग्जिस्ट कर रहा है। यानी ऑड फंक्शन के केस में दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो एफ जीरो डिफाइंड नहीं है या एफ जीरो जीरो है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ध्यान दे, जो मैं बोल रहा हूँ वही ट्रू है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर फंक्शन ऑड है तो एफ जीरो जीरो होगा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू जीरो पे जीरो आ जाए तो हम ऑड बोल देंगे। इवन फंक्शन की वैल्यू भी जीरो पे जीरो होती है, जैसे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इवन फंक्शन है क्योंकि इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, इसकी भी वैल्यू जीरो पे जीरो, जीरो की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऑड है तो जीरो पे वैल्यू जीरो होगी, कन्वर्स टू नहीं है कि जीरो पे वैल्यू जीरो हो जाए तो हम ऑड बोल देंगे। तो लिख लीजिए, इफ एन ऑड फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन इफ एन ऑड फंक्शन एफ लिख दोगे, इफ एन ऑड फंक्शन एफ नाम दे दो इसका एफ, इफ एन ऑड फंक्शन एफ इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, देन एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो।
किसी भी ऑड फंक्शन की वैल्यू हमेशा जीरो पे जीरो होती है, ऑलवेज, अगर डिफाइंड है तो। अगर डिफाइंड नहीं है तब तो वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे आप देखें ऑड वाले आप जितने भी एग्जांपल लिखे थे सबकी वैल्यू जीरो पे जीरो है। देख लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स को जीरो रखोगे, एक्स का कोई भी ऑड पावर जीरो रखो, साइन जीरो जीरो है, टेन जीरो जीरो है, अगले दो डिफाइंड ही नहीं है, कॉट जीरो डिफाइंड नहीं होता है, कोसेकेंड जीरो डिफाइंड नहीं होता, साइन इनवर्स जीरो जीरो है, टेन इनवर्स जीरो जीरो है, कोसेकेंड इनवर्स जीरो डिफाइंड ही नहीं होता। तो या ऑड फंक्शन अगर है तो जीरो पे या तो जीरो होगा या नॉट डिफाइंड होगा। अगर जीरो पे वैल्यू मिल रही है तो जीरो ही होगा, अदरवाइज नॉट डिफाइंड होगा। इसको प्रूफ करने के लिए भी कहा जा सकता है, या प्रूफ देख लें, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं तो आपसे प्रूफ तो कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल छोटा सा प्रूफ है सर, कि अगर मुझे ये कोई प्रूफ करने के लिए कहे कि प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ एन ऑड फंक्शन एट जीरो इज ऑलवेज जीरो इफ इट इज डिफाइंड। नींद आ रही है आपको, जग जाओ, देखेंगे जब। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, हम सिंपली ऑड का डेफिनेशन यूज करेंगे। ऑड का डेफिनेशन क्या है, तो अगर फंक्शन ऑड है तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल। तो लिख लो इफ एफ इज एन ऑड फंक्शन, इफ एफ इज एन ऑड फंक्शन देन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ये जीरो होना चाहिए ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। ये जीरो होना चाहिए सारे एक्स के लिए। अब अगर ये जीरो पे डिफाइंड है तो फिर ये जीरो के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो अगर हम इसमें एक्स को जीरो रख दें, एक्स को अगर जीरो रख दें तो क्या बन जाएगा, ये एफ जीरो प्लस एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्या बन जाएगा टू एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से एफ जीरो की वैल्यू जीरो। तो अगर जीरो पे डिफाइंड है तो एफ जीरो जीरो होगा। सही बात है, बोलिए तो सही। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, किसी भी फंक्शन को अगर वो फंक्शन दोनों तरफ ओरिजिन के डिफाइंड है, यानी अगर ओरिजिन के बहुत सिमेट्रिक है डोमेन, तो ऐसे किसी भी फंक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं इवन प्लस ऑड के फॉर्म में। यानी एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। लिख लो एनी फंक्शन हुज डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, एनी फंक्शन हुज डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। Can be written as a sum of an even and an odd function. Can be written as a sum of an even and an odd function. किसी भी फंक्शन को, आपको कोई भी फंक्शन ऐसे ही दे दिया गया रैंडमली और कहा गया कि इसे इवन प्लस ऑड के फॉर्म में लिखें, यानी इसे दो फंक्शंस का सम बनाएं जिनमें से एक इवन होना चाहिए और दूसरा ऑड होना चाहिए, तो बहुत आसानी से हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, लिखिए एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लिखो क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4x 5 प्लस 6 टाइम्स e रेस 2x माइनस 7, चलो यहीं तक 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस 6 टाइम्स e रेस 2x एज अ सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन, एज अ सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन।
तो मुझे कहा गया कि इसको इवन प्लस ऑड के फॉर्म में लिखें, यानी इससे दो, अभी जो फिलहाल ये फंक्शन है दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, देखो अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे इसमें, तो पहले वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा, थ्री एक्स स्क्वायर ही रह गया, दूसरा वाला क्या हो जाएगा फाइव, और ये हो गया सिक्स ई रेस टू। बड़ा ऑब्वियस है कि एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स सेम नहीं है, तो इवन तो नहीं है, और ना ही ये दोनों ऐड करके जीरो बन रहे हैं। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिर्फ एक कैंसिल होगा, कौन सा कैंसिल होगा, फोर एक्स और माइनस, बाकी सब ऐसे ही रह जाएंगे। तो ना तो इनका डिफरेंस जीरो हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करके जीरो बन रहे हैं, और ना ही ऐड करके जीरो बन रहे हैं, मींस दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। अब मुझे लिखना है इसको इवन प्लस ऑड के फॉर्म में, तो बस इवन प्लस ऑड के फॉर्म में लिखने के लिए ये एक फॉर्मूला याद रख लें कि हम किसी भी फंक्शन एफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ, या बल्कि ऐसे लिख सकते, किसी भी फंक्शन एफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, एफ एक्स को ऐसे तो लिखा ही जा सकता है, बोलो लिख सकते हैं नहीं इसे, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है इसमें, अल्टीमेटली इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स तो खत्म ही हो रहा है, तो एफ एक्स बाई टू और एफ एक्स बाई टू ऐड करके क्या बनेगा, एफ एक्स बनेगा। और आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसमें जो ये वाला फंक्शन निकल कर आएगा ये इवन निकल कर आएगा, क्योंकि इसमें अगर एक्स को माइनस, अगर उसको भूल जाए, इसमें सिर्फ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एफ ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स बन ये रह जाएगा, और इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो ये ऑड फंक्शन हो, क्योंकि देखो अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये f of minus x हो जाएगा, वो f x हो जाएगा, तो ये अभी फिलहाल अगर a minus b है तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b minus a हो जाएगा, यानी साइन बदल जाएगा। तो इसमें जो पहला वाला फंक्शन निकल कर आएगा, जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो इवन है, जो दूसरा फंक्शन निकल कर आएगा वो ऑड है, तो ऐड कर दिया अगर दोनों को, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करके क्या बन रहा है, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टेन प्लस टू एक्स प्लस सिक्स ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बन रहा है, माइनस एट एक्स प्लस सिक्स ई रेस टू एक्स माइनस सिक्स ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू। एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड कर दो पहले वाले में, दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बना ये, टू से डिवाइड करके थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस थ्री ई रेस टू एक्स प्लस थ्री ई रेस टू माइनस, और दूसरे में टू से डिवाइड करोगे तो माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ई रेस टू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस थ्री ई रेस टू माइनस। और आप इजली अब आप चेक करके देख सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट वाला फंक्शन है ये इवन है, और जो दूसरा फंक्शन है ये ऑड है, दिस इज इवन प्लस ऑड, यानी जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो इवन है, सेकंड ब्रैकेट ऑड है, देख लो फर्स्ट ब्रैकेट इवन है, अगर एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो यही का यही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होना, अगर एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, इसमें कोई चेंज होगा नहीं, ये दोनों सिर्फ इंटरचेंज हो जाएंगे, ये थ्री रेस टू माइनस एक्स बन जाएगा, वो थ्री रेस टू एक्स बन जाएगा, बट है बीच में प्लस, तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, प्लस बी की जगह पे बी प्लस ए हो जाएगा, रहेगा सेम, लेकिन इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस फोर एक्स से रिप्लेस करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, ये अगर ए माइनस बी है तो उल्टा हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये थ्री रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा और वो थ्री रेस टू एक्स हो जाएगा। तो पहला वाला फंक्शन इसमें इवन है, दूसरा वाला फंक्शन ऑड है, बोलिए सही है, बस इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए जो ये रेड लाइन पे लिखा हुआ है, कि कभी भी कहा जाए कि फंक्शन को इवन प्लस ऑड के फॉर्म में लिखें तो ये लिख देना, एफ एक्स को लिख देना एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बाई टू, इसको फॉर्मूले की तरह याद रखिए। अगर किसी फंक्शन एफ एक्स को इवन प्लस ऑड लिखना हो तो इसमें फर्स्ट वाला इवन है, सेकंड वाला ऑड है। इससे यह भी ध्यान में आ गया आपको कि अगर किसी भी फंक्शन एफ एक्स को ऐड करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स के साथ, तो जो नया फंक्शन बनेगा दोनों को ऐड करके वो हमेशा इवन फंक्शन बनेगा,
और सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर एफ एक्स में से एफ ऑफ माइनस एक्स को, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा ऑड आएगा। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम हमेशा इवन होता है, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंस हमेशा ऑड होता है। ये भी लिख लीजिए अगले प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो। इफ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ, और ये सारी बातें हो रही है जब डोमेन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, क्योंकि जब भी हम इवन ऑड की बात कर रहे हैं तो पहली कंडीशन तो ये है कि डोमेन सिमेट्रिक होना चाहिए ओरिजिन के अबाउट। तो लिख लो इफ द डोमेन ऑफ एफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, इफ द डोमेन ऑफ एफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, देन एफ एक्स प्लस f of minus x is an even function, is an even function, and f x minus f of minus x is an odd function, is an odd function। एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम हमेशा इवन होता है, डिफरेंस हमेशा ऑड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी इवन फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करके जो आएगा वो हमेशा ऑड फंक्शन आएगा, ऑड का डेरिवेटिव हमेशा इवन होगा, दोनों तरफ से ट्रू है। इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो इवन हो जाएगा। जैसे उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि सिर्फ एक फंक्शन ऐसा है जो बोथ इवन एंड ऑड है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर फंक्शन की वैल्यू थ्रू आउट जीरो रहती हो पूरे डोमेन में एंड डोमेन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो बोथ इवन एंड ऑड है। क्योंकि अगर फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज जीरो है तो वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इवन और ऑड दोनों वाले को। क्योंकि अगर हम करें कि एफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज जीरो है, एक्स को कुछ भी रख दें जीरो रहेगा, तो अगर हम एक्स को माइनस एक्स रख देंगे तब भी जीरो रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू से ये ले लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये ले लिया। अब ये फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज जीरो है क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो ऑलवेज वन ही बना रहेगा, तो एक्स की जगह पे कुछ भी रख दें ये जीरो ही बना हुआ है। तो अगर एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दें तो भी क्या बना हुआ है, ये तो एक्स भी ऑलवेज जीरो है, एफ ऑफ माइनस एक्स भी ऑलवेज जीरो है। और चूंकि एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों जीरो है तो इनका सम भी जीरो होगा और इनका डिफरेंस भी जीरो होगा। अगर एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो जीरो बनेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी जीरो बनेगा। अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम जीरो बनता हो तो फंक्शन को ऑड बोलते हैं, डिफरेंस जीरो बनता है तो फंक्शन को इवन बोलते हैं। तो चूंकि इसमें दोनों जीरो बनेंगे तो ये फंक्शन बोथ इवन एंड ऑड है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द ओनली फंक्शन विच इज बोथ इवन एंड ऑड, यानी यही एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम बोथ इवन एंड ऑड बोलते हैं। तो फंक्शन इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, नॉट इवन नॉट ऑड हो सकता है, बोथ इवन एंड ऑड सिर्फ एक केस में हो सकता है जब फंक्शन की वैल्यू थ्रू आउट जीरो बनती है। तो लिख लो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द ओनली फंक्शन विच इज बोथ इवन एंड ऑड, विच इज बोथ इवन एंड ऑड। शर्त लगा हुआ है कि डोमेन ओरिजिन के बहुत सिमेट्रिक है, अगर जहां डोमेन में प्रॉब्लम है तो फिर तो नाइदर इवन नॉर ऑड है, वो पहले ही बोल दिया। अगला पॉइंट अब आप लिखिए, द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन एंड वाइस वर्सा, यानी उल्टा भी ट्रू है कि ऑड को डिफरेंशिएट करेंगे तो इवन होगा। अब किसी भी इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे ऑड आएगा, ऑड को डिफरेंशिएट करोगे इवन आएगा।
जैसे साइन एक्स ऑड फंक्शन है, डिफरेंशिएट करोगे कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इवन फंक्शन। टेन एक्स ऑड फंक्शन है, डिफरेंशिएट करोगे सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है वो इवन फंक्शन है। या सिंपल अगर देखें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू फोर, ये इवन फंक्शन है, लेकिन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ये फोर एक्स क्यूब, ये ऑड फंक्शन है, एक्स का ऑड पावर हो गया। उसमें पहले वाले में एक्स रेस टू फोर में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें कोई चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू वन पे वही माइनस वन पे, जो टू पे वही माइनस टू पे, जबकि दूसरे वाले में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो साइन चेंज होगा। तो इवन का डेरिवेटिव ऑड है, ऑड का डेरिवेटिव इवन है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन, द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी इवन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी अगर आप वाई एक्सिस को मिरर मान लो तो जैसा ग्राफ इसके राइट पे होगा उसकी मिरर इमेज आपको लेफ्ट पे दिखाई देगी, जो भी ग्राफ इसके राइट पे होगा उसकी मिरर इमेज आपको लेफ्ट पे दिखाई दे रही होगी, या जैसा ग्राफ लेफ्ट पे होगा उसकी मिरर इमेज राइट पे दिखाई दे रही है। और वैसा क्यों होगा, क्योंकि आपको पता ही कि जो वैल्यू वन पे होगा वही वैल्यू, जो वैल्यू माइनस वन पे होगा वही वैल्यू वन पे होगा, तो जिस लेवल पे माइनस वन पे ग्राफ होगा उसी लेवल पे वन पे होगा, जो वैल्यू माइनस टू पे होगी वही टू पे होगी, जो माइनस थ्री पे होगा वही थ्री पे होगा। तो चूंकि दोनों साइड पे वैल्यू सेम रहेगा तो जैसा ग्राफ राइट पे ड्रॉ हो रहा होगा या लेफ्ट पे ड्रॉ हो रहा होगा उसकी मिरर इमेज राइट पे ड्रॉ हो रही है। आप कोई भी इवन फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे इसीलिए, तो आप सिर्फ अगर आधा ग्राफ ड्रॉ कर दो किसी एक साइड पे वाई एक्सिस के, तो दूसरे साइड पे उसका जस्ट इमेज ड्रॉ करना होगा। जैसे हमने कहा कि सपोज हमने कहा कि एफ एक्स इवन है, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक, और हमने कह दिया कि इसका जो ग्राफ है वो मान लो ओरिजिन के वाई एक्सिस के राइट पे, सपोज इसका ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ है, ऐसे में रैंडमली कहा नहीं पता कौन सा फंक्शन है, आपको सिर्फ ये कह दिया गया कि एफ एक्स इवन फंक्शन है और ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है वाई एक्सिस के राइट साइड पे। और फिर आपसे कहा जाए कि इस ग्राफ को कंप्लीट कीजिए कि इसका पूरा ग्राफ कैसा होगा, तो बस इसका मिरर इमेज ले लेंगे दूसरे साइड पे, यानी दूसरे साइड पे आपको क्या करना होगा कि इसका इमेज ड्रॉ कर देना होगा, तो ये कंप्लीट ग्राफ होगा। और इसलिए किसी भी हम इवन फंक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम सिर्फ आधे ग्राफ का टेंशन लेते हैं किसी एक साइड पे, राइट पे या लेफ्ट पे, और आधे ग्राफ को जो हम ड्रॉ करेंगे उसका मिरर इमेज दूसरी तरफ ड्रॉ कर देंगे। जैसे मान लो देखिएगा, जब फॉर एग्जांपल हमसे कहा गया कि इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए वाई इज इक्वल टू mod x माइनस थ्री, सपोज कहा गया कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ ड्रॉ कीजिए y इज इक्वल टू टू मॉड एक्स माइनस थ्री। ध्यान दीजिएगा कितना टाइम लग रहा है उसको ड्रॉ करने में, मान लो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली इवन फंक्शन है क्योंकि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मॉडलस है तो मॉडलस में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, इसकी वैल्यू जो एक्स को वन रखने पे आनी है वही माइनस वन रखने पे आनी, जो टू पे रखने पे आनी वही माइनस टू रखने पे आनी, तो ये इवन फंक्शन है। अब मुझे कहा गया कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो मैं सिर्फ इसका आधा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ पहले कि वाई एक्सिस के राइट पे इसका ग्राफ कैसे, तो देखते हैं आधा ग्राफ से।
अभी मैं सिर्फ उधर ड्रॉ कर रहा हूँ, वाई एक्सिस के राइट पे, वाई एक्सिस के राइट पे मतलब एक्स पॉजिटिव है, और अगर एक्स पॉजिटिव है तो हम मॉड एक्स को एक्स लिख सकते हैं। तो वाई एक्सिस के राइट पे तो मैं इसको वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3 लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकता हूँ? अरे बोल भी दो। क्योंकि हम इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, x पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव है तो हम मॉड x की जगह पे x ही लिख सकते हैं। तो ये हो गया y इक्वल टू 2x माइनस 3। और ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब ये लाइन है। तो इधर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन सी लाइन? तो अगर इसको x को 0 रखते हैं तो y आता है माइनस 3, तो 0 पे वैल्यू है माइनस 3, यानी y एक्सिस को कट करेगा माइनस 3 पे। और जब y को 0 रखते हैं तो x आता है 3/2, यानी x एक्सिस को कट करेगा 3/2 पे। तो ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कट कर रहा है नीचे माइनस 3 पे, y एक्सिस को कट कर रहा है 3/2 पे। तो ऐसे लाइन है ये लाइन, कहां पे कट कर रहा है? y एक्सिस को 0 कॉमा और x एक्सिस को 3/2 कॉमा 0। बोलिए सही है। और चूंकि ये इवन फंक्शन है तो बस दूसरी तरफ इसका इमेज ड्रॉ कर देंगे। तो दूसरी तरफ इसका इमेज चला गया ऐसे, इधर कट करेगा फिर सिमेट्री में कहां पे? -3। तो ये 2 मॉड एक्स माइनस 3 का ग्राफ होगा वी शेप में, जो ये ग्राफ, ये जो वी शेप में ग्राफ दिखाई दे रहा है यही है वाई इज इक्वल टू 2 मॉड एक्स माइनस 3 जो आपने इधर ड्रॉ किया उसका इमेज इधर ड्रॉ। इमेज तो समझते हैं ना भाई, अगर ये मिरर है तो इसके सामने अगर ऐसे कोई चीज रखी हुई तो इधर आपको ऐसे दिखाई दे रही होगी। मतलब ये कि अगर ये पेपर पे है, इस पेपर के लॉन्ग फोल्ड करोगे तो दोनों तरफ का जो ग्राफ होना चाहिए, वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर पेपर को फोल्ड करोगे तो दोनों तरफ का ग्राफ कौन साइड करना चाहिए? ये जो ये वाला ब्रांच है ये y इक्वल टू 2x माइनस 3, y इक्वल टू 2 मॉड x माइनस 3 पूरा हो गया दोनों को मिलाकर। अलग अलग अगर इक्वेशन लिखेंगे तो ये ब्रांच है y इक्वल टू 2x माइनस 3 और ये ब्रांच है y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3, क्योंकि जब x नेगेटिव होगा तो मॉड x को माइनस x लिखेंगे, इधर x नेगेटिव है तो ये y इक्वल टू 2x माइनस 3 है, ये y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3। तो जो v आपको दिखाई दे रहा है ये v है y इक्वल टू 2 मॉड x माइनस 3 का ग्राफ। समझ में आई बात? नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखे, इवन का ग्राफ वाई एक्सिस के बॉट सिमेट्रिक होता है, ऑड का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन के बॉट सिमेट्रिक होता है या डायगोनली अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। मतलब ये कि जैसा ग्राफ फर्स्ट में होगा उसकी सिमेट्री थर्ड में दिखाई देगी, या जैसा ग्राफ सेकंड में होगा उसकी सिमेट्री फोर्थ में दिखाई देगी। डायगोनली अपोजिट सिमेट्रिक होगा, यानी जैसा फर्स्ट में ग्राफ होगा उसकी सिमेट्री थर्ड में होगी, जैसा सेकंड में ग्राफ होगा उसकी सिमेट्री फोर्थ में दिखाई देगी। इसको हम ये भी कहते हैं कि ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब ऐसे देखेंगे अगर ओरिजिन के अबाउट तो ग्राफ हमें सिमेट्री दिखाई देगा। तो लिख लीजिए, द ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन, द ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक इन डायगोनली अपोजिट क्वाड्रेंट्स, इज सिमेट्रिक इन डायगोनली अपोजिट क्वाड्रेंट्स। और वी कैन से द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, और वी कैन से द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। Symmetric about the origin. जब आप एग्जाम्पल देखिए, फंक्शन लिया आपने, ये ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ऑड फंक्शन है ये। मैंने कहा था कि ग्राफ को दिमाग में बिठा लो, मैं साइन इनवर्स एक्स बोलूं तो पिक्चर दिमाग में बन जानी चाहिए कैसी है, और अगर याद हो तो अपने आप बन जाएगी, जैसे मुझे याद है तो वो बन जाती है दिमाग में पिक्चर कि साइन इनवर्स एक्स कैसा होता है। साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, यही था, ये पॉइंट था 1 कॉमा
पाई बाई टू और लोअर एंड जो था ये था माइनस वन कॉमन माइनस पाई बाई टू, ये ओरिजिन। तो आप देख रहे हैं कि जैसा ग्राफ फर्स्ट में है उसकी सिमेट्री फिर थर्ड में दिखाई दे रही है, यानी जो ग्राफ इधर है उसी की सिमेट्री इधर थर्ड में। ठीक, एक खास बात और होती है ऑड फंक्शन के ग्राफ पर, अगर आप ग्राफ को ओरिजिन के बाद यानी यहाँ पे ऐसे रोटेट कर दो इसके ओरिजिन के 180 डिग्री से, तो वही ग्राफ हो जाएगा। यानी अगर आप ऐसे ये रखा हुआ है और यहाँ से आपने इसको ऐसे रोटेट करना शुरू किया, कितना घुमाया 180 डिग्री से, तो वही का वही ग्राफ रहेगा। क्योंकि अगर आप 180 डिग्री से जब रोटेट करोगे तो ये वाला पोर्शन रोटेट होकर यहाँ जाएगा और ये रोटेट होकर ऊपर चला जाएगा। तो किसी भी ऑड फंक्शन के ग्राफ को अगर ओरिजिन के बॉट ऐसे 180 डिग्री से रोटेट किया जाए ओरिजिन पे पकड़ कर, तो वही ग्राफ होता है, ग्राफ में कोई चेंज होगा। इसीलिए कहते हैं कि ओरिजिन के बॉट सिमेट्रिक है। ओरिजिन के बॉट सिमेट्रिक का मतलब है कि ओरिजिन के बॉट अगर रोटेशन करेंगे 180 डिग्री से तो कोई चेंज नहीं होगा। और भी ऑड फंक्शन के ग्राफ, आप टैन इनवर्स का ग्राफ भी देख लो, आपने ड्रॉ किया था वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स, या बल्कि टैन इनवर्स एक्स की बजाय, चलो टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा था, याद तो होगा नहीं आप लोगों को, इधर इस तरह से तो इधर पाई बाई टू ये माइनस पाई बाई टू, दो एसिम्प्टोट थे इसके हॉरिजॉन्टल लाइन, एक पाई बाई टू के लेवल पे और एक माइनस पाई बाई टू। तो आप देख रहे हैं जो ग्राफ फर्स्ट में है उसकी सिमेट्री थर्ड में। चलिए क्वेश्चन लिखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन ऑड नाइदर बोथ, चारों ऑप्शन हो सकते हैं, इवन है ऑड है नाइदर इवन नॉर ऑड और बोथ इवन और ऑड। एक एक करके मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा, फंक्शन दूंगा, आपको मुझे बताने, फंक्शन ऑलवेज जीरो बनता हो, तो अगर फंक्शन की वैल्यू थ्रू आउट जीरो बनती हो तभी बोथ बोलेंगे। लिखिए इफेक्ट्स इज इक्वल माइनस वन रेस टू बल्कि एफ एन इज इक्वल टू माइनस एनी इंटीजर, फंक्शन इवन है ऑड है
इवन है, क्योंकि इस फंक्शन की दो ही वैल्यू हो सकती है, वन या माइनस वन। माइनस वन पे पावर आप इंटीजर दे रहे हो, और माइनस वन पे अगर कोई भी इंटीजर डाल रहे हो पावर, तो माइनस वन का इवन पावर वन बनेगा, माइनस वन का ऑड पावर माइनस वन बनेगा। तो एफ एन को हम लिखेंगे वन माइनस वन इफ एन इज ऑड। तो सारे इवन इंटीजर पे एन को अगर इवन लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू वन है, और माइनस वन होगा अगर एन को ऑड लेंगे। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू इवन पे वन बनना है, तो जो वैल्यू टू पे होगी वही माइनस टू पे होगा, जो फोर पे होगा वही माइनस फोर पे होगा, जो सिक्स पे होगा वही माइनस सिक्स पे होगा। और ऑड पे माइनस वन बनना है, तो जो वैल्यू वन पे है वही माइनस वन पे, जो थ्री पे वही माइनस थ्री पे, जो फोर पे वही माइनस फोर पे। क्योंकि आप एन की जगह पे इवन, चाहे पॉजिटिव इवन रखो या नेगेटिव इवन रखो, इवन रखने पे वैल्यू वन है, तो जो वैल्यू टू पे है वही। वैसे भी अगर सीधा भी वैल्यू रख के देखते हैं, तो अगर यहाँ से आप एफ टू निकालोगे तो माइनस वन रेस टू टू वन होगा, एफ ऑफ माइनस टू निकालोगे तब भी वही आएगी वैल्यू, एफ थ्री निकालोगे तो माइनस वन होगा, एफ ऑफ माइनस थ्री निकालोगे तब भी वही वैल्यू आनी है। तो जो वैल्यू एन पे आनी है वही वैल्यू माइनस एन पे आनी है। अगर मैं एफ ऑफ माइनस एन भी लिखूंगा तो एफ ऑफ एन और एफ ऑफ माइनस एन दोनों एक ही चीज होंगे। तो ये फंक्शन इवन है। नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू log log 2 raised to x minus 2 raised to log x प्लस अंडर रूट लॉग का बेस चाहे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। बेस कुछ भी लिखना चाहे लिख दे, ना भी लिखे कुछ। ये चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। चिप्स भी आ रहे हैं, 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 चिप्स भी आ र
शोर कर रहे तो बैठे बैठे फ्राइडे आप लोगों का टेस्ट होगा रिलेशंस का और सिर्फ रिलेशंस फंक्शंस नहीं और ये रिलेशंस भी डिस्कस कर लीजिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लीजिए फ्राइडे को टेस्ट होगा वही क्लास के बाद 7 to 8 हो गया। देखो बेटा आपको ये बताना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को चेक करना हो इवन या ऑड, तो x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से, यानी f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे। देखो x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करें, वैसे ऑब्जेक्टिव में हो तो ऑप्शंस को एलिमिनेट, ध्यान दें क्वेश्चंस करने का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार एलिमिनेशन भी काम करता है। एलिमिनेशन का मतलब कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो आप एलिमिनेशन पहले कर लें अगर, तो एटलीस्ट आप दो अगर एलिमिनेट कर दोगे तो आपको दो बचेने की भी दोनों में से कोई हो सकता है, तो तुक्का लगने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं फिर 50%, क्योंकि फिर दो में से ही एक पे मारोगे आप। लेकिन आप रेंडमली अगर तुक्का लगाते हैं तो फिर 25% चांसेस रहते हैं सही होने के। तो एलिमिनेशन करने के लिए अगर आप वैसे भी वैल्यू देखते हैं, अगर जैसे हम इसकी वैल्यू 1 पे चेक करेंगे तो आएगा लॉग 1 प्लस रूट 2, माइनस 1 पे चेक करेंगे तो आएगा लॉग रूट 2 माइनस 1, यानी 1 पे आएगा लॉग ऑफ रूट 2 प्लस 1 और माइनस 1 पे आएगा लॉग ऑफ रूट 2 माइनस 1। ऑब्वियसली दोनों वैल्यू सेम तो है नहीं, क्योंकि एक बन रहा है लॉग ऑफ रूट 2 प्लस 1 और दूसरा बन रहा है लॉग ऑफ, तो ये दोनों सेम चीज तो है नहीं, रूट टू प्लस वन रूट टू तो इवन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वन पे वैल्यू और माइनस वन पे वैल्यू सेम नहीं है, तो इवन वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म ही हो गई, बोथ इवन एंड ऑड वाली भी खत्म हो गई। तो बचा क्या अब आपके पास, बच गया अभी आपके पास जो है या तो नीदर होगा या ऑड होगा, तो एटलीस्ट फोकस हो गया कि अभी इन्हीं दोनों में से दो चीजें हमें चेक करनी होंगी। तो अगर मैं एक्स को रिप्लेस करूं माइनस एक्स से, एफ ऑफ माइनस एक्स लॉग माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ऐसे देख के पता नहीं लग रहा है कि ये ऑड है या नहीं है, तो अगर ऐसे देख के पता ना लगे तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड कर देंगे। अगर एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड करके जीरो बन जाए तो फंक्शन ऑड है, क्योंकि ऑड का डेफिनेशन यही था कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इवन वाली पॉसिबिलिटी तो हम रूल आउट ही कर चुके हैं, तो इसलिए एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंस हम चेक ही नहीं करेंगे, सिर्फ हम सम चेक करेंगे कि इनका सम क्या है। नाउ सम चेक करें, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों को ऐड कर दें तो हो गया ये लॉग अंडर रूट स्क्वायर प्लस वन प्लस प्लस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। थोड़ा बहुत लॉग याद होगा अगर आप लोगों को कि log m प्लस log n ऐड करके हो जाता है log mn। जब भी दो log को अगर आप ऐड करते हो log m
प्लस लॉग एन, तो ये ऐड करके बन जाता है लॉग एन, और सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर लॉग एम माइनस लॉग एन तो हो जाता है लॉग एम बाई एन, ऐड करने पे प्रोडक्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करने पे रेशियो हो जाता है। तो ये अगर ऐड करेंगे लॉग एम प्लस लॉग एन तो ये लॉग एम एन हो जाएगा, यानी दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। और अब ये देखो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा लॉग वन, और लॉग वन की वैल्यू ऑलवेज जीरो होती है, बेस चाहे कुछ भी ले लें, इसलिए मैं कह रहा था कि बेस का इसमें कोई यूज नहीं है, बेस चाहे कुछ भी ले लूं लॉग वन की वैल्यू जीरो ही रहेगी, और लॉग वन चूंकि जीरो है तो देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम जीरो है, यानी ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, एफ इज ऑड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर थ्री रेस टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू माइनस फोर। चेक करो ये फंक्शन इवन है या ऑड है। पहले ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, एफ जीरो निकाल के देख लो, एफ जीरो जीरो नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली ऑड तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड फंक्शन की वैल्यू जीरो पे जीरो होती है, तो ऑड वाला खत्म हो गया, ऑड वाला खत्म हो गया तो बोथ इवन एंड ऑड भी खत्म हो गया, तब आपके पास ऑप्शन दो ही रह गए कि या तो इवन है या नीदर है, तो पहले ही ऑप्शन को हटा दिया करो फिर देखोगे क्या, क्योंकि अब उसी पे फोकस करोगे, आप एफ जीरो आप देख रहे हैं जीरो नहीं, अगर एक्स को जीरो रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू माइनस फोर बन रही है, और ऑड फंक्शन की वैल्यू जीरो पे जीरो होती है, तो ये ऑड तो नहीं है, ये श्योर है। चेक करने दो बाकी लोगों को, चेक करने चूंकि दो ही तो ऑप्शन बचे हैं, अब इवन या नीदर तो वही बता दूं तो फिर बचेगा क्या। माइनस एक्स इवन है बिल्कुल, अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते एफ ऑफ माइनस एक्स, देखो इधर इधर देखो एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख रहे हैं तो ये हो गया माइनस एक्स थ्री रेस टू माइनस एक्स माइनस वन
माइनस, ठीक, जहां जहां एक्स था उसको हमने माइनस एक्स रख दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स थ्री रेस टू माइनस एक्स को मैं वन ओवर थ्री रेस टू एक्स लिख सकता हूं, माइनस माइनस एक्स बाई टू माइनस, बोलो ठीक है ये। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर होगा माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई थ्री रेस टू एक्स, नीचे हो जाएगा वन माइनस माइनस एक्स बाई टू माइनस फोर, बोलो ठीक है ये। अगर साइन चेंज कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का तो ऊपर हो जाएगा एक्स इंटू थ्री रेस टू एक्स, नीचे हो जाएगा थ्री रेस टू एक्स माइनस माइनस एक्स बाई टू माइनस, ये क्या निकल गया एफ ऑफ माइनस एक्स। अब हम ये पहले ही चेक कर चुके हैं कि ये ऑड तो नहीं है, क्यों नहीं है ऑड, क्योंकि एफ जीरो की वैल्यू जीरो नहीं बन रही है, ऑड होता तो एफ जीरो की वैल्यू जीरो बनती, तो हम इवन के लिए ही चेक करेंगे सिर्फ। और इवन के लिए चेक करेंगे तो क्या करेंगे, एफ एक्स में से एफ ऑफ माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर एफ एक्स में से एफ ऑफ माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करके जीरो आ जाए तो ये फंक्शन इवन है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से, एफ एक्स में से एफ ऑफ माइनस एक्स को, एफ एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर रहे एफ ऑफ माइनस एक्स, फर्स्ट वाले लाइन में से लास्ट वाले लाइन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखो होगा क्या, सब्ट्रैक्ट करके एक्स ओवर थ्री रेस टू एक्स माइनस वन, उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस एक्स इन टू थ्री रेस टू एक्स ओवर थ्री रेस टू एक्स माइनस, देन एक्स बाई टू में से ये नेगेटिव ऑफ एक्स बाई टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा प्लस एक्स, बोलो हो जाएगा नहीं, एंड फोर और फोर तो खत्म हो जाएगा, बोलो सही है, चेक कर लीजिए सब्ट्रैक्ट करके इवन रहे ना, आपका एक्स बाई टू में से नेगेटिव ऑफ एक्स बाई टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस एक्स, नॉट डिनोमिनेटर में क्या जाएगा यहाँ पे दोनों थ्री रेस टू, ऊपर एक्स कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस थ्री रेस टू एक्स प्लस एक्स, सही है, अरे बोल भी दो, साइन चेंज कर दिया अगर न्यूमरेटर पे माइनस कॉमन ले लें ब्रैकेट से तो थ्री रेस टू एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस एक्स प्लस एक्स, क्या हो गया ये जीरो, और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंस जीरो हो रहा है, मतलब ये इवन फंक्शन है, तो एफ इज इवन, एक्चुअली एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों सेम है, सिर्फ अलग तरीके से लिखे हुए हैं। वैल्यू लेके हमेशा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट ऐसा हो गया जहां पे ये सेम नहीं हो रहा है, मतलब दो चार पॉइंट पे सेम वैल्यू है लेकिन मान लो आपने वो चेक नहीं किया पूरी तरह से, कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहां पे वैल्यू सेम नहीं बन रही है, अच्छा हाँ जीरो पे डिफाइन नहीं है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया जीरो पे डिफाइन नहीं है, तो फिर तो ऑड के लिए भी आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जीरो पे ये डिफाइन नहीं लगा कि जीरो पे वैल्यू माइनस फोर आ रही है, तो कोई नहीं, आप दो पॉइंट पे वैसे चेक करके देख लो, एफ वन चेक करके देख लो और एफ ऑफ माइनस वन चेक करके देख लो कि एफ वन की क्या वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या रही है, तो अगर एफ वन और एफ ऑफ माइनस वन जो है सेम आ रहे हैं तो फिर तो ऑड वाला पॉसिबिलिटी तो खत्म ही हो गया, क्योंकि इवन वाली ही पॉसिबिलिटी बची, तो आप सिर्फ इवन वाले ही चेक करके देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन माइनस साइन क्यूब एक्स ओवर वन प्लस साइन क्यूब, लॉग ऑफ वन माइनस साइन क्यूब एक्स ओवर वन प्लस साइन क्यूब एक्स, इवन है या ऑड है,
ऑड है, चेक करके देखा। देखो जी, अगर आप इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो, f ऑफ माइनस एक्स, ध्यान दोगे इधर, इधर देखो, बात बंद करो सर जी, इधर x की जगह पे माइनस एक्स क्या लिखेंगे, log 1 माइनस साइन क्यू माइनस 1 प्लस ठीक। अभी हो गया log 1 माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स हो जाती है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स को लिखेंगे माइनस साइन एक्स, और इसका क्यूब है 1 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स एंड देन क्यूब, तो ये हो गया log, उल्टा हो गया, ये ऊपर 1 प्लस साइन क्यूब एक्स और नीचे 1 माइनस साइन क्यूब एक्स हो गया। बोलो सही है, रेसिप्रोकल हो गया उसका उल्टा जस्ट। अब वैसे दोनों सेम तो है नहीं, क्योंकि दिख ही रहा कि रेसिप्रोकल हो गया, तो इवन वाली पॉसिबिलिटी तो रूल्ड आउट है, तो इवन तो हो नहीं सकता ये, तो हम ऑड के लिए सिर्फ चेक कर लें, यानी क्या करेंगे दोनों को ऐड करके देख लेंगे एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को। तो अगर ऐड करके देख लें एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ एक्स हो गया log माइनस साइन क्यूब एक्स ओवर 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस log 1 प्लस साइन क्यूब एक्स ओवर 1 माइनस साइन क्यूब एक्स। ऑड के लिए ऐड करते हैं, अगर दोनों का सम जीरो हो तो ऑड, डिफरेंस जीरो हो तो इवन, और जब ऐड करेंगे तो log n प्लस log n हो जाता है log mn, अभी कहा था दोनों को ऐड करके ये प्रोडक्ट हो जाएगा log mn, और ऑब्वियसली प्रोडक्ट लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है, log n प्लस log n log mn बनेगा, और चूंकि रेसिप्रोकल है तो mn 1 हो जाएगा, तो ये log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 और सम 0 है, यानी ये ऑड फंक्शन है, तो f इज ऑड। बोलिए ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस 1,
साइन इनवर्स, बल्कि थ्री साइन इनवर्स है, वन एंड वन। एंड माइनस को सेकेंड इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन वन। तीन रूल हमने लिए हैं फंक्शन के, एक लेस देन माइनस वन पे कोसेकेंड इनवर्स एक्स है, माइनस वन से वन तक साइन इनवर्स एक्स है, और ग्रेटर देन वन पे माइनस कोसेकेंड इनवर्स एक्स है। चेक करें कि फंक्शन इवन है, ऑड है, नाइदर है, बोथ है। कुछ बोलना है? क्या करोगे आप, x को रिप्लेस करोगे माइनस x से। देखो इधर, अगर x से ज्यादा रूल हो तो काम कैसे करते ये देख लीजिए। जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है सबको माइनस x लिखोगे, तो सभी को अगर माइनस x लिखेंगे तो ये हो गया कोसेकेंड इनवर्स। यहां भी लिखेंगे माइनस x लेस देन, जहां जहां भी x दिख रहा है सबको माइनस x लिखोगे, फिर लिखेंगे थ्री साइन इनवर्स माइनस x, माइनस वन लेस देन और इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू, फिर माइनस कोसेकेंड इनवर्स माइनस एक्स, माइनस एक्स ग्रेटर देन। और अब इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अभी मैंने कहा था, अभी इनवर्स पढ़ाई आपने कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हम माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, कोसेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को भी माइनस कोसेकेंड इनवर्स एक्स लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे माइनस कोसेकेंड, यहाँ साइन चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन वन, माइनस एक्स लेस देन माइनस वन है, साइन चेंज करोगे इनइक्वालिटी चेंज होगा, ये माइनस थ्री साइन इनवर्स एक्स, यहाँ भी साइन चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, तो वन ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस, और ये बन गया कोसेकेंड इनवर्स एक्स, ये हो गया जब एक्स लेस देन माइनस वन है, ये एफ ऑफ माइनस एक्स है। और अब मैं दोनों को अगर देखूं, एफ एक्स को और एफ ऑफ माइनस एक्स को, ये दोनों सेम है या नहीं, तो अगर एक्स लेस देन माइनस वन है इसमें भी कोसेकेंड इनवर्स एक्स है, इसमें भी कोसेकेंड इनवर्स एक्स है, तो लेस देन माइनस वन के लिए तो दोनों सेम है। अगर एक्स ग्रेटर देन वन है तो यहाँ भी माइनस कोसेकेंड इनवर्स एक्स है, ग्रेटर देन वन पे यहाँ भी माइनस, बट माइनस वन और वन के बीच में बदल गया, माइनस वन और वन के बीच में ये थ्री साइन इनवर्स एक्स है जबकि ये माइनस थ्री साइन इनवर्स एक्स है, यानी ये फंक्शन टू और दोनों सेम नहीं है, ये वाला रूल तो मैच कर रहा है फर्स्ट एंड थर्ड वाला, बीच वाला रूल मैच नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि अगर इवन होता जब सारे तीनों रूल मैच कर रहे होते, ऑड होता अगर दोस्त इसमें दोनों में तीनों में साइन चेंज हो रहा होता, जैसे यहाँ पे x less than minus 1 के लिए वो cosecant inverse x है और ये minus cosecant inverse x हो रहा था, opposite sign के हो रहे होते तब भी हो जाता, तो ये और या वैसे भी देखो ना, अगर हम दोनों को add करेंगे तब भी zero नहीं बनेगा और subtract करेंगे तब भी zero नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम दोनों को add करते हैं तो ये वाला portion zero बनेगा, बाकी के दो portion zero नहीं बनेंगे, और अगर subtract करेंगे तो दो portion zero बनेगा, एक zero नहीं बनेगा, बीच वाला zero नहीं बनता, तो ना तो इनका sum zero होगा और ना ही difference zero होगा, तो function is neither even nor odd।
नेक्स्ट क्वेश्चन की लिखेंगे. इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू k माइनस थ्री साइन x प्लस फोर cos x माइनस फाइव, k माइनस थ्री साइन x प्लस फोर cos x माइनस फाइव इज an even function, then find the value of k. अगर ये even है तो k की क्या value हो? हो गया. देखो इधर, अगर x को पहले इसमें माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो ये होगा k माइनस थ्री साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस, ये होगा ना साइन ऑफ माइनस एक्स बन जाता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस k माइनस थ्री साइन एक्स, तो कॉस एक्स ही रहता है तो फोर कॉस माइनस फाइव. और इस बार चूंकि गिवन है कि फंक्शन क्या है, इवन है, और अगर इवन है तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स सेम होना चाहिए, तो चूंकि फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स. अगर दोनों को इक्वेट कर देंगे तो के माइनस थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स माइनस फाइव, ये होगा नेगेटिव ऑफ के माइनस थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स. फाइव तो दोनों तरफ से खत्म हो रहा है, फोर कॉस एक्स भी खत्म हो रहा है. बोलिए सही है, हो गई नहीं? एक तरफ ले आएंगे तो इधर हो जाएगा टू टाइम्स के माइनस थ्री साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स, एक्स को कुछ भी रख दें तो इसका मतलब है कि इसका जो कोफिशियंट है वो जीरो हो जाएगा. तो इसलिए के माइनस थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, के हो जाएगा थ्री, क्योंकि ये ऑलवेज जीरो होना चाहिए एक्स से इंडिपेंडेंट, एक्स को कुछ भी रखें तो ये तभी होगा जब के की वैल्यू थ्री होगी. अगर के थ्री होगा तो ये ऑलवेज जीरो हो जाएगा, फिर एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन के If f is an even function and g is an odd function.
if f is an even function and g is an odd function. Then check whether the following functions are even or odd. Maybe neither, maybe both. Yani charo option hai aapke. Then check whether the following functions are even or odd. F of g, g of f, f of f, g of g. Composite hai ye. Charo ko check kijiye ki ye charo functions, inme se kaun kaun se even hai, kaun kaun se odd hai. Neither bhi ho sakte hai. F of g, g of f, f of f, g of g. लिमिटेड पीरियड के लिए आएंगे, मतलब चेंज क्यों होंगे? ये डिफाइंड है दोनों थ्रू आउट. f और g दोनों ऑलवेज डिफाइंड फंक्शंस हैं. बल्कि आप ये लिख दीजिएगा, क्या लिखा आपने, इफ f इज एन इवन फंक्शन एंड g इज एन ऑड फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल x, और ये दोनों ऑलवेज x, सारे x के लिए डिफाइंड है, यानी डोमेन में पूरे रियल नंबर है, डिफाइंड फॉर ऑल x. या ऐसे भी कहा जा सकता था कि f फ्रॉम r टू r इज एन इवन फंक्शन, g फ्रॉम r टू r इज एन ऑड फंक्शन. r टू r का मतलब है कि ये पूरे डोमेन, पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है फंक्शन आपका. पहला वाला फंक्शन f ऑड है, दूसरा वाला फंक्शन g इवन है. उल्टा बोल रहा हूँ, f क्या बोला था, इवन है, g ऑड है. तो इन चारों को चेक कीजिए कि इनमें से कौन से इवन है, कौन से ऑड है. चेक कीजिए आप सारे, सारों चेक कीजिए. कर लो चेक, बातें कर रहे बैठकर नहीं, क्यों होगा, चेक ही तो करना है. देखो बहुत आसानी से चेक कर सकते हो आप, एक एक करके देखो. पहले चेक करते हैं f ऑफ g को. तो हमने f ऑफ g का कोई नाम दे दिया, से इसका नाम दे दिया कैपिटल f, कैपिटल f x है f ऑफ g. कुछ भी नाम दे सकते हैं, f g h, f g नाम है तो अगले वाले का कुछ h नाम दे दो, से h. तो इसको मैंने, चलो h x ही बोल दिया कि ये h x है, एच एक्स है एफ ऑफ जी एक्स. तो मुझे एक्चुअली चेक करना है कि एच एक्स कैसा फंक्शन है, इवन है या ऑड है. तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक्स को रिप्लेस करूंगा माइनस एक्स से, तो एच ऑफ माइनस एक्स, ये क्या बनेगा, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, ये बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स. एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा है, और ये गिवन है कि जी ऑड है, तो चूंकि g ऑड है तो g ऑफ माइनस एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा, माइनस बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ, क्यों हो गया सर, एज g इज ऑड.
बोलो सही है ना, क्योंकि ऑड में होता है क्या, अगर जी ऑड फंक्शन है तो जी ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव ऑफ जी एक्स हो जाएगा ना, चूंकि एफ इवन है तो एफ इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स ही बन जाता है, इवन में माइनस लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो चूंकि एफ इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स सेम होगा, दैट मीन्स कि एफ ऑफ माइनस जी एक्स और एफ ऑफ जी एक्स सेम होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, जी एक्स एज एफ इज इवन, यानी देखो ये वही फंक्शन रह गया, यानी क्या रह गया एच एक्स ही रह गया, तो एच ऑफ माइनस एक्स और एच एक्स सेम है यानी एच इवन है, तो इसलिए ये एफ ऑफ जी एक्स इवन फंक्शन है, एच इज इवन। बोलिए सही है, बोल भी दीजिए, तो एफ ऑफ जी तो इवन हो गया, अब चेक करते हैं जी ऑफ एफ को, लेट जी ऑफ एफ का कुछ नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दिया, से कैपिटल एफ दे देते हैं, कैपिटल एफ एक्स हमने नाम दे दिया किसको, जी ऑफ एफ एक्स, अगर इसको एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो ये बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ माइनस, और एफ चूंकि इवन है और एफ इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स ही रह जाएगा, तो ये क्या रहेगा, जी एज एफ इज इवन, तो वही फंक्शन रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ, तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स सेम है, तो ये भी इवन है, एफ इज इवन, यानी बोथ आर इवन, एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ बोथ आर इवन, ठीक। तो अगर एफ ऑड है जी इवन है, या कोई भी एक ऑड है कोई एक इवन है, तो दोनों इवन बनेंगे, एफ ऑफ जी बी और जी ऑफ एफ बी। अब चलते हैं तीसरे वाले एग्जांपल पर, तीसरा क्या था, एफ ऑफ एफ, इसका कोई नाम दे दिया, से इसका नाम मैंने टी एक्स दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, कैपिटल टी बोल दिया इसको, से एफ ऑफ एफ एक्स, से टी एक्स है एफ ऑफ एफ एक्स, अगर इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा, और चूंकि एफ इवन है एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स ही रह जाएगा, एज एफ इज इवन, यानी ये वही रह गया, टी एक्स ही रह गया, तो टी ऑफ माइनस एक्स टी एक्स रह गया, तो ये भी इवन है, टी भी इवन है, टी इज इवन, तीनों इवन है, अब सिर्फ चौथे वाले को चेक करना, चौथा वाला ऑड बनेगा, चौथे वाले को मैंने कोई नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, इसे वी एक्स नाम दे दिया, वी एक्स है जी ऑफ जी एक्स, अगर इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा जी ऑफ जी ऑफ माइनस जी ऑड जी ऑफ माइनस एक्स को माइनस जी एक्स लिखेंगे, एज जी इज ऑड, माइनस को बाहर कर देंगे, अब फिर से जी ऑड है तो जी ऑफ माइनस जी एक्स को माइनस जी ऑफ जी एक्स लिखेंगे, माइनस उठकर बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस वी एक्स आ गया, यानी ये ऑड है, वी ऑफ माइनस एक्स माइनस वी एक्स बन रहा है, तो वी इज ऑड। याद रखने की जरूरत नहीं, आप इजली चेक कर लोगे, ऐसे कुछ भी गिवन होगा तो आप आसानी से चेक कर दोगे कि इवन है या ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स इज इक्वल डिटर्मिनेंट 3x² + 4 5 sin² x 6 mod x sin x, को
कोसिकेंट क्यूब एक्स साइन इनवर्स एक्स कॉट रेस टू फाइव एक्स। ये फंक्शन एफ डिटर्मिनेंट है, ये जो भी ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनेगी वो एफ एक्स है। चेक वेदर एफ इज इवन और ऑड, ये फंक्शन इवन है या ऑड है। कप्पे मार रहे बैठकर सिर्फ, कैसा है? इवन है ये, क्योंकि अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे, देखो इधर जहां जहां एक्स है सबको माइनस एक्स लिखते हैं, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर ही रह जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखे। ये हो जाएगा फाइव साइन स्क्वायर माइनस एक्स, ये मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड एक्स ही रहता है, तो यहां कोई चेंज होगा। ये होगा साइन ऑफ माइनस एक्स, ये टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा जब एक्स की जगह पे माइनस एक्स। ये कोसिकेंट क्यूब माइनस एक्स, ये साइन इनवर्स माइनस एक्स, और ये कॉट रेस टू फाइव माइनस एक्स। सही है, ठीक है ना? ये क्या बनाइए, पहला वाला कॉलम थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ध्यान दे साइन ऑफ माइनस साइन एक्स बनता है, बट स्क्वायर है तो कोई चेंज नहीं होगा, वही रह जाएगा, यानी क्या रह जाएगा, फाइव साइन स्क्वायर एक्स सिक्स मॉड एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स फोर। Thank you.
और cot ऑफ माइनस एक्स माइनस cot x तो माइनस cot रेस टू। अब देखो एक माइनस सेकंड वाले कॉलम से कॉमन निकलेगा, एक माइनस थर्ड वाले कॉलम से निकलेगा, तो अगर दो माइनस बाहर निकाल रहे हैं यानी दो माइनस वन बाहर निकाल रहे हैं, एक माइनस वन सेकंड कॉलम से और एक थर्ड कॉलम से, तो प्लस हो जाएगा, तो ये वही फंक्शन रह जाएगा यानी एफ एक्स के इक्वल ही रह जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स सेम रह जाएगा क्योंकि एक माइनस यहाँ से कॉमन निकल जाएगा सेकंड कॉलम से एक थर्ड कॉलम से और फिर वो ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल ही है यानी ये इवन फंक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ए फंक्शन एफ satisfies the condition f of x plus y is equal to fx plus fy for all x y belonging to it. F of x plus y is equal to fx plus fy for all x y belonging to it. Prove that f is an odd function. Prove that f is an odd function.
दुरुस्त। इसीलिए तो मैंने प्रूफ दैट लिख पाया। देखो बहुत सिंपल है, आपको इवन ऑड के लिए करना क्या होता है, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम या डिफरेंस देखना होता है। अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम जीरो हो जाए तो ऑड है, डिफरेंस जीरो हो जाए तो इवन है। यानी इन शॉर्ट आप रिलेशन देखते हैं एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में। तो इसलिए हमने इसमें क्या किया, वाई की जगह पे माइनस एक्स रख दिया ताकि रिलेशन बन जाए एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में। और ये इसलिए रख सकते हैं क्योंकि गिवन है कि जो रिलेशन है वो ऑलवेज टू है, हम एक्स और वाई को कुछ भी रखेंगे टू रहेगा। तो हमने वाई की जगह पे क्या रख दिया, माइनस एक्स। वाई को माइनस एक्स रख दिया तो लेफ्ट साइड पे एफ जीरो हो गया, राइट पे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया। बोलिए सही है। अब लेकिन एफ जीरो नहीं पता है तो एफ जीरो निकालेंगे। एफ जीरो के लिए हमने क्या किया, इसमें अब एक्स को जीरो रख देंगे तो इधर एफ जीरो तो इधर एफ जीरो और उधर टू एफ जीरो, एक तरफ ले जाएंगे तो एफ जीरो की वैल्यू जीरो है। और जब एफ जीरो जीरो है तो यहां पे अगर एफ जीरो को जीरो रख देंगे तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ये जीरो हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो का मतलब है कि ये ऑड फंक्शन है, तो देयरफॉर एफ इज एन ऑड फंक्शन। एक क्वेश्चन और लीजिए लास्ट। माइनस कहाँ बाहर आएगा, कहाँ से बाहर आएगा एफ, लेकिन आपको तो जनरल प्रूफ करना है ना, प्रूफ दैट का मतलब आपको प्रूफ करना है कि चेक नहीं करना है, चेक करना होता है तो हम चेक करके देख लेते कि इवन या ऑड है। नेक्स्ट, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखिएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ओवर सिक्स एक्स रेस टू फोर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। एफ एक्स इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ओवर सिक्स एक्स रेस टू फोर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। क्या बोल रहे, देन फाइंड एफ ट्रिपल डैश जीरो। एफ ट्रिपल डैश का मतलब है थर्ड डेरिवेटिव। अगर इसको तीन बार डिफरेंशिएट करके जीरो पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, एफ ट्रिपल डैश जीरो। डिफरेंशिएट मत करने लगो, क्योंकि डिफरेंशिएट करने लगो तो बहुत टाइम लगने वाला, तीन बार डिफरेंशिएट करना समझ रहे, इसको एक बार ही डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि रेशियो वाला फॉर्मूला लगेगा, क्वोशेंट रूल लगेगा, क्वोशेंट रूल में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये लिखते हैं। रेशियो का अगर डेरिवेटिव लिखना हो तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव। एक बार ही बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करना और बड़ा हो जाएगा, फिर तीसरी बार डिफरेंशिएट करना, तो बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डिफरेंशिएट तो नहीं करना, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएट करने लगेंगे तो फंस जाएंगे। एक्चुअली सीधी बात यह है कि ये इवन फंक्शन है, अगर इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो कोई चेंज नहीं होगा, देख सकते हैं ये इवन है, सारी इवन पावर है, तो एफ इज एन इवन फंक्शन, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो बनेगा वो ऑड बनेगा, क्योंकि इवन का डेरिवेटिव ऑड होता है, फिर सेकंड डेरिवेटिव फिर इवन बनेगा क्योंकि ऑड का डेरिवेटिव इवन होता है, फिर थर्ड डेरिवेटिव फिर ऑड बनेगा, तो जो थर्ड डेरिवेटिव होगा वो ऑड फंक्शन होगा और ऑड फंक्शन की वैल्यू जीरो पे जीरो होती है, इसलिए एफ ट्रिपल डैश जीरो जीरो हो जाएगा। तो लिख लो, सिंस एफ इज एन इवन फंक्शन देयरफॉर एफ ट्रिपल डैश एक्स विल बी एन ऑड फंक्शन, एफ ट्रिपल डैश एक्स विल बी एन ऑड फंक्शन। और इसलिए एफ ट्रिपल डैश जीरो की जो वैल्यू होगी
ये जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो विल बी जीरो पे तो डिफाइंड हो ही है फंक्शन, जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो कहाँ बन रहा है, अगर जीरो पे ये डिफाइंड है सारे डेरिवेटिव भी डिफाइंड रहेंगे, फिर नॉट डिफाइंड कर